हाथरस में महिला ने एक साथ दिया तीन बच्चों को जन्म, बच्चों को देखने के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। परिवार बता रहा भगवान चंपा कोतवाली के झिगुरा गांव का मामला। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, सेक्टर 55 में प्रिंटिंग कारोबारी के घर में घुसकर लूट की वारदात, बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को दिया अंजाम। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकरण डकैती का नहीं है, ये एक आवास है जो सेक्टर 55 में है, थाना 58 क्षेत्र में। वहाँ पर भूलवश दरवाज़ा खुला रह गया था, चार लड़के उसमें अंदर घुसे और घुसने के बाद उस समय बेसिकली वो चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। चूँकि घर में बच्चे थे तो उनको डरा धमका करके एक्साइट करके उसके बाद कुछ संपत्ति वहाँ से वो ले गए हैं। फिरोजाबाद में टुंडला थाना इलाके के टोल टैक्स पर कैंटर ने मारी पुलिस जीप में टक्कर, हादसे में एक महिला और सिपाही घायल, दोनों घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। शाहजहांपुर सदर बाजार इलाके के निगोही रोड पर ट्रक ने बाइक सवार महिला को कुचला, हादसे में महिला की मौत, पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। कहाँ जा रही थी, कैसे आ रही, कैसे हुआ? मेरे घर से यार सतमा से आ रही थी, चौड़ेरे जा रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे, क्या बताया लगा? ट्रक वाले ने पीछे से ठोक दिया, इनको पीछे से दब गई उसने। गोंडा में कर्नलगंज परसपुर रोड पर बाबागंज चौराहे पर दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दो घायल, घायलों को गोंडा जिला अस्पताल किया गया रेफर। कन्नौज के बिशुनगढ़ कोतवाली इलाके के मालपुरा जगदीशपुर में हादसा, करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पंखे का तार लगा रहा था युवक।